तो हम पहुंच गए हैं विष्णु दोल। बहुत मस्त है, बिल्कुल सेंटर पे कह सकते हैं, और चौराहा है, चारों तरफ रास्ता है, और ये है सामने, ये है शिव दोल। और चलिए चलते हैं, देखते हैं। हम लोग वो शेयर्ड ऑटो में आए, वहाँ रेलवे स्टेशन से यहाँ तक 10 रुपये पर हेड आया, तो हम दोनों का 20 रुपये आया। बहुत ही सस्ता भैसा, बहुत ही रीजनेबल है। तो आइए चलते हैं, वेलकम टू शिव दोल। फूल तोड़ना मना है और बहुत पुराना है भाई साहब। चलिए अभी आगे जाके इसका हिस्ट्री भी बताएंगे आपको। काफ़ी बड़ा है, फैला हुआ है, और ये है यहाँ का हिस्ट्री। तो थोड़ा सा पढ़ते हैं। ब्रिक और स्टोन का बना हुआ है, बना हुआ था अहोम किंग शिवा सिंघा, और ये बना हुआ 1714। तो भैया हो गया 300-400 साल तो हो ही गया। इज़ द टॉलेस्ट 40 मीटर टेम्पल अमंग द अहोम टेम्पल्स ऑफ असम। सो अहोम टेम्पल जो है उसमें से ये सबसे बड़ा है। तो भैया चलिए चलते हैं, मज़ा आएगा। तो आप देख सकते हैं ये सराउंडिंग जो छोटा सा एक वॉल टाइप का है, कितना चौड़ा है। ये बिल्कुल उसी टाइम का है, 300-400 साल पुराना, पुराने वो देख सकते हैं जो फ्लैट ईंट टाइप का रहता था, और ऊपर से शायद पहले ये और ऊंचा था, लेकिन अभी इतना ही रह गया है। और ये जो अब इसका अंदर सीमेंट देख रहे हैं, ये नॉर्मल पुराने दिनों में सीमेंट नहीं रहता था, तो इसमें कुछ बालू और इसमें अंडा और मैदा इस टाइप का चीज़ देके ये लोग बनाते थे। बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है ये, जितना भी यहाँ पे है बना हुआ, ये सारा वैसे ही बना हुआ है। सो बहुत ही वेल प्लान्ड है। पहले मंदिर में जाने से पहले थोड़ा सा परिक्रमा कर ले रहे हैं यहाँ का। और भाई साहब ये फोटो से दिखता नहीं है, लेकिन है ये बहुत चौड़ा। आई थिंक ये कामाख्या मंदिर से भी ऊँचा है कि नहीं? गुवाहाटी में जो कामाख्या है, कामाख्या से काफ़ी ऊँचा है। तो सर यहाँ पे आने का बहुत दिनों से इच्छा था। और ये इधर जो है ये देवी दोल है, यहाँ भी हम लोग जाएंगे, एक ही साथ बना हुआ था। तो ये देवी दोल, हाँ ये भी वो है कि कार्विंग्स बने हुए हैं वहाँ पे, हम लोग दिखाएंगे आपको। और ये हो गया विष्णु दोल, शिवा दोल, और उधर है विष्णु दोल, हम सब जाएंगे धीरे धीरे। तो चलिए आपको कार्विंग्स दिखाते हैं इसका। तो हम लोग बिल्कुल ही उसके नीचे आ गए, मंदिर गए, तो देख सकते हैं कितना ऊँचा है। और यहाँ पर बहुत ही प्राचीन मूर्ति है, कलाकृति है आप कह सकते हैं। और अब देख सकते हैं इतना पुराना है कि ये ऊपर का जो फीचर से वो घिस गया है इनके, या तो घिस गया या तो तोड़ दिया गया है। यहाँ पे बहुत ही वायलेंट पास्ट भी था, लोग आते थे बाहर से आके तोड़ देते थे। तो यहाँ पे अधिकतर मूर्तियों का जो है फेसेस नहीं है, लग रहा है कि ये डिलीवरेटली तोड़ा गया, बट आई एम नॉट श्योर। लेकिन ये है, ये देखिए ये वाला अभी भी है। तो थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाते हैं, तो ये तो लग रहा है नागिन, थोड़ा सा नागिन टाइप का लग रहा है। सो एनीवेज यहाँ पे आके मुझे प्रवीण मोहन की वीडियोज़ याद आ रहे हैं, तो मुझे आई एम श्योर कि अगर वो यहाँ पे आते हैं तो यहाँ का कुछ अलग ही कुछ मीनिंग वीनिंग निकालते हैं। लेकिन भाई हम लोग आए हैं बस एज अ टूरिस्ट, तो आपको दिखाते हैं बस के कैसा है, कितना पुराना है। तो भाई ये सारा जो है 400 साल पुराना है ऑलमोस्ट, और एज जो है बिल्कुल दिखता है। हाँ ये शायद धस गया है ना। मजा आ रहा है भाई। और ये जो है बिल्कुल बड़ा सा तालाब है उस साइड, आप देख सकते हैं तालाब के साइड। तो बहुत मज़ा आता है यहाँ पे, शाम को आइए। एज ए मतलब गेट अवे भी बहुत सही है, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस छोड़ ही दीजिए, लेकिन एज ए रिक्रिएशनल प्लेस भी ये बहुत ही सही है। कैसा लग रहा है आपको बताइए, पहला इंप्रेशन? पहला इंप्रेशन तो आके मैं एकदम मुग्ध हो गई, बहुत अच्छा लग रहा है। हवा चल रही है, मौसम भी अच्छा है, और ये हिस्टोरिकल प्लेसेस देखने का मजा ही अलग है। और अभी अभी हम लोग आए हैं बस, अभी तो बाकी है, थोड़े थोड़े मेमोरीज भी आ रहे हैं, क्योंकि मैं बचपन में एकदम छोटी थी तब एक बार आई थी। चलिए तो फिर अभी दर्शन कर लेते, थोड़ा सा हम लोग घुसाए यहाँ पे। जूता चप्पल लेना मना है, तो भाई जूता रख लिया उधर, तो चलते हैं अंदर। वैसे हम लोगों ने दर्शन कर लिए गर्भगृह का, हम लोगों ने फोटोग्राफी अलाउड है लेकिन हम लोगों ने दिखाया नहीं आउट ऑफ रेस्पेक्ट। बहुत ही पुराना है, जैसे आप लोग कहीं भी बहुत ही एंशियंट स्थान पे जाएंगे तो जैसा रहता, तो वैसा ही है। और ये ईंट पत्थर का बना हुआ है यहाँ पे, पुराना है, पूरा एरिया जो है बहुत ही पुराना है।
क्या ठीक है ओके तो हो गया शिवदोल का। अभी हम लोग जा रहे हैं देवीदोल की तरफ। जूता वही रख दिया हम लोग, क्योंकि कितना बार भाई जूता खोलेंगे जूता पहनेंगे, तो चल रहे हैं उधर। वैसे हम लोगों ने देवीदोल के भी दर्शन कर लिए। देवीदोल शिवदोल से छोटा है, उतना एम्बियंस जिसे कहते हैं उतना वो नहीं है। जैसे आप देख रहे थे वो पत्थर वाला था, तो ये प्लास्टर्ड है। मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा रिपेयर्ड हुआ है पहले से, बीच बीच में ये पुराने मूर्तियाँ यहाँ पर लगे हुए हैं, लेकिन ये स्ट्रक्चर जो उतना पुराना नहीं लग रहा है। मेरे को लग रहा है कि ये रिपेयर हुआ था, और हाइट भी ये काफ़ी उससे छोटा है। पूरा कॉम्प्लेक्स जो है जुड़ा हुआ है, तो आप शिवदोल से देवीदोल और देवीदोल से विष्णुदोल जा सकते हैं। हम लोग पहले शिवदोल पे उतरे थे, तो उसके बाद देवीदोल हके, अभी हम लोग फिर क्रॉस शिवदोल क्रॉस करके अभी विष्णुदोल की तरफ जाएंगे। चलिए फिर हम जा रहे हैं अभी विष्णुदोल की तरफ। बीच में ये गेट है, ये कनेक्टिंग गेट है शिवदोल और विष्णुदोल। तो ये गेट थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा ऑर्नेट है, और कितना ठंडा है। सीरियसली पुराना आर्किटेक्चर का ये कमाल है, इतना छोटा सा है लेकिन अंदर एकदम मस्त ठंडा था। एसी से भी ज़्यादा ठंडा है। हाँ बिल्कुल, पैर एकदम ठंडा हो गया। खाली पैर चल रहे हैं अभी हम लोग, जूता वहीं पर रख दिया। और ये है, ये भी मतलब ये भी छोटा ही है, तो शिवदोल जो है वही सबसे बड़ा है, सबसे प्रोमिनेंट है। और ये सामने हो गया विष्णुदोल। तो अभी हम परिक्रमा कर रहे हैं विष्णुदोल का। ये भी देवीदोल जैसा ही है, प्लास्टर्ड है, और बीच बीच में ऐसे पत्थर का पुराना मूर्ति है वो लगा हुआ है। और ये देख के मुझे कमाख्या का याद आ रहा है। ये बिल्कुल वहाँ पे भी आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर जो थोड़ा सा ये डिज़ाइन जो है वहाँ पे भी दिखता है। ये अहम, हाँ ये सब मत करिएगा, ये नया है, ये सब मत करेगा भाई साहब। ये रोहित और अरमान भाई साहब मत करो, ये सब अपना ही प्रॉपर्टी है, ये सब देश का प्रॉपर्टी है, ASI का है। इसको थोड़ा सा बचा के रखिए, सुंदर से रखिए। आपका नाम लिख के क्या हो जाएगा, नाम रोशन करना तो कुछ अच्छा काम करिए। यहाँ पे नाम लिखे तो गालियाँ पड़ेंगी और कुछ नहीं होगा। तो और ये सामने शिवदोल। सो तीनों देख लिए, देवीदोल शिवदोल और विष्णुदोल। तीनों में से शिवदोल जो बीच में है और वही सबसे प्रमुख है जैसे कह सकता है, उसका आर्किटेक्चर भी सबसे बड़ा है। उसके बाद मुझे लगा देवीदोल जो है वो थोड़ा सा वेल मेंटेन्ड है, और विष्णुदोल जो है वो लीस्ट, छोटा भी है और थोड़ा सा मेंटेनेंस में भी थोड़ा सा कमी है इसमें। मेरे को एक चीज़ बहुत अच्छा लगा, ये मंदिर तो है ही, और मंदिर के चारों तरफ ये पार्क टाइप के भी कर रखा है। यहाँ पे बैठने के लिए जगह है, ये आप देख सकते हैं बेंच लगे हुए हैं। हम लोग अभी ये डिसाइड किए हैं कि शाम को भी यहाँ पे एक बार आएंगे। हमें दिखा यहाँ पे लाइट वेट लगे हुए हैं, और ये सामने लेक है, तो हम लोग शाम को भी आएंगे, शाम को आके बैठेंगे, शाम को आपको दिखाएंगे नज़ारे इसके कैसा है। यहाँ पे एक और चीज़ अच्छी है, जैसे कि बोला जाता है ये कल्चरल सिटी है शिवसागर, और लोगों में भी कल्चर दिखता है, कोई हल्ला नहीं है, बहुत शांत माहौल है। ये तो है बिल्कुल है, यहाँ पे कोई जितने भी लोग हैं बहुत ही शांत है, कोई चिलम चिल्ली नहीं है, कुछ नहीं, तो बहुत ही शांत वातावरण है मतलब जेन्युइनली। देखिए आप साइड में बहुत लोग घूम रहे हैं लेकिन हल्ला एक भी नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं शाम को आते हैं, और शाम को आके तो वहाँ भीड़ तो उस टाइम ज़्यादा रहेगा, और देखते हैं कि क्या ये स्टेटमेंट उस टाइम भी सही रहता है कि नहीं।